तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक किसी भी मैटर का एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, जिसके वजह से उसे हम किसी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। इसमें हम अगर किसी एक चार्ज को लाते हैं, मान लो ये हमारा चार्ज है और ये एक तरफ का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो वही हमारा चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। ठीक है, किसी भी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसी के कारण जब भी हम किसी एक मैटर को जिसमें चार्ज प्रेजेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, और यही हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर का एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। तो चार्जेस हमारे दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के चलते होता है। ठीक है, तो चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और एक न्यूट्रल होता है जिसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंस ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रल भी होता है। तो चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव। तो हम जान गए कि चार्ज क्या होता है। चार्ज किसी एक मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, जिसकी वजह से उस मैटर को हम जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और साथ ही जान गए कि हमारा चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। लेकिन एक न्यूट्रल भी होता है जिसमें कोई नेट चार्ज नहीं होता, उसमें चार्जेस एब्सेंस होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चार्जेस की प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो चार्जेस की तीन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, तो चार्जेस आर स्केलर क्वांटिटीज। हम जानते हैं कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन सॉरी मैंने आपको यह बताना भूल गया कि चार्ज का ऐसा यूनिट जो होता है वो कूलम्ब होता है। ठीक है, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। ठीक है, चार्ज के ऐसे यूनिट कूलम्ब होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज होता क्या है, देखिए, चार्जेस आर स्केलर क्वांटिटीज एंड दे एड अप लाइक रियल नंबर्स। ठीक है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है और उन्हें हम रियल नंबर की तरह एड करते हैं। ठीक है, तो चार्जेस स्केलर क्वांटिटीज एंड दे एडेड अप लाइक रियल नंबर। इट मीन्स दैट If a system consists of n charges, Q1, Q2, Q3, .. then total charge of the system will be Qt. Algebraic form में मतलब हम इसे sum करते हैं। ठीक है, कि एक real number की तरह, मान लो हमारा जो number है 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर उसे हम total sum करना होगा 6 तक का, तो हम उसे 1+2+3+4+5+6 करते हैं। तो एक रियल नंबर की तरह हमारा चार्जेस भी एड होता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्वांटाइजेशन एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहते हैं। ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज चार्जेस का वो प्रॉपर्टी है जिसके में हम जानते हैं कि चार्जेस को रियल नंबर की तरह एड करते हैं। ठीक है, किसी एक सिस्टम में मान लिया हम कि चार्जेस Q1, Q2, Q3, Qn प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसमें हमारा सिस्टम में टोटल चार्ज हम एक रियल नंबर की तरह ऐड करेंगे, मतलब कि Qt इक्वल टू Q1+Q2+Q3 .. +Qn, ऐसे हम रियल नंबर की तरह हम चार्जेस को सम करते हैं। ठीक है, यही हमारा एडिटिविटी ऑफ चार्ज है। तो अब आगे देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, दैट इज इनिशियल एंड फाइनल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी सेम। किसी एक सिस्टम में, किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो हमारा इनिशियल चार्ज होता है वो फाइनल चार्ज के बराबर ही होता है। ठीक है, दोनों सेम होते हैं, मतलब किसी एक सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम में चार्जेस चेंज नहीं होते। मतलब कि अगर इस वायर से, ठीक है, हम 5 कूलम चार्ज फ्लो कराए और इधर हमारा गया और इधर हमारा गया, ठीक है, और फिर ये एड होके इधर आ रहा है, तो हमारा
मान लो 2.5 चार्ज 2.5 चार्ज दोनों इधर उधर गए, लेकिन फिर यहाँ पे आए तो हमारा फिर टोटल 5 चार्ज हो गया। मतलब यहाँ से गया सिस्टम में हमारा जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहता है, इसे ही हम कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस कहते हैं। मतलब चार्जेस का लॉस नहीं होता, किसी एक सिस्टम में जो इनिशियली चार्ज रहेगा वही फाइनल में भी चार्ज रहेगा, ठीक है। चार्जेस हमारा कंजर्व रहते हैं, यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया, चार्जेस का सेकेंड प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं चार्जेस का थर्ड प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। ए चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट अमाउंट रेदर देन कॉन्टिन्यूस वैल्यू एंड हेंस क्वांटाइज्ड इन नेचर, ठीक है। जो चार्जेस है वो क्वांटाइज्ड होते हैं, ठीक है, इन नेचर में वो हमारा जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। तो मैथमेटिकली द चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, मतलब चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो चार्जेस हमारा होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है। यही हमारा टोटल चार्ज होता है। तो यही होता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर्टी 3 है चार्जेस का, जहां पे n हमारा इंटीजर होगा एंड e इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। हाँ, तो अब किस बात की देरी है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकूं।